नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। दोस्तों, आजकल मौसम हर रोज नए नए रंग बदल रहा है। पल में बरसात, पल में चिलचिलाती गर्मी और पल में ठंडी फुहार बहुत अच्छी तो लगती है, लेकिन इस हार्वेस्टिंग सीजन में अपने साथ बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो ज्यादातर इसी सीजन में देखने में आती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे विशेष अतिथि रहेंगे डॉक्टर विकास भुटानी, जो एक वेल नोन फिजिशियन है और हमेशा से डॉक्टर भुटानी का सहयोग हमारे प्रोग्राम को रहा है। तो सबसे पहले आइए हम स्वागत करें डॉक्टर विकास भुटानी का। डॉक्टर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका लिव लाइफ मोर शो में। गुड मॉर्निंग पल्लवी जी, एंड गुड मॉर्निंग सब सुनने वालों को। मैं इस शो में आज आया और मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों सबसे बात करने से। इट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। आई रियली लव दिस शो बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोत्साहन के लिए। और हमारी भी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम अपने विशेषज्ञों की सहायता से जोड़ सके अपने श्रोताओं की जिंदगी में कई और वर्ष और भर सके जिंदगी उन कई वर्षों में। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस में खास तौर पर इस सीजन में किस तरह के कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस सीजन में नॉर्मली स्प्रिंग सीजन बोला जाता है, बट आजकल जैसे वेदर ऑलमोस्ट डेली चेंज हो रहा है, कभी बरसात आ जाती है, कभी धूप आ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो हम आजकल रेस्पिरेटरी इलनेसेस, एलर्जीज, रेस्पिरेटरी स्किन एलर्जीज बहुत देखने को आ रही हैं। हमारे पास जो ओपीडी में, आउट पेशेंट्स में ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सीजनल एलर्जीज के साथ, नेजो ब्रोंकियल एलर्जीज, जुकाम, गला खराब, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शंस, कफ कोल्ड, स्किन एलर्जीज, तो ऐसे केसेस काफी बढ़ गए हुए हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि किस तरह की आम समस्याएं इस सीजन में देखने को मिलती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन सभी समस्याओं के जो लक्षण हैं वो भी अलग अलग ही होंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कौन से ऐसे लक्षण हैं, अगर जिन्हें कोई महसूस करे या परिवार में इस तरह के लक्षण हों तो जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगा, इन सब बीमारियों की, जो लोग पहले से एलर्जिक हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं कि आप मिड मार्च में अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से मिलिए, और इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है जिसको हम मास्टल स्टेबलाइजर कहते हैं, वो अगर 4 से 6 हफ्ते सीजन बदलने में हम किसी व्यक्ति को जिसको एलर्जीज रहती हैं वो ले, रेगुलरली ले, तो इन एलर्जी से बचा जा सकता है। अब बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लक्षण्स की। हाँ, नेजो, हम इसको बोलते हैं ओवरऑल जो डिजीज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है वो नेजो ब्रोंकियल एलर्जीज, मींस नाक से लेके नीचे ब्रोंकाई और नीचे लंग तक कहीं भी एलर्जी रह सकती है। अब सबसे पहले बात करेंगे नाक की एलर्जी की। नाक की एलर्जी किसी को होगी तो उसको बार बार जुकाम होना, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जुकाम होना, नाक बंद हो जाना, खासकर टेम्परेचर चेंज में, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग्स, सर्दी से गर्मी, थोड़ा बरसात में भीगे, गर्म ठंडी का गाड़ी से बाहर गर्मी में निकल गए, तो ये चीज़ें रहती हैं जिससे प्रेसिपिलेट हो जाती है। नंबर 2 पे हम बात करें तो गला खराब, फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड, खांसी रहना, हल्की हल्की बलगम आना, लेकिन बलगम का कलर सफ़ेद रहना, जिसको म्यूकॉइड एक्सपेक्ट्रेशन कहते हैं, वो लक्षण है फेरेंजाइटिस, जिसको गला खराब या सोर थ्रोट बोल सकते हैं। और तीसरा होगा, फिर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें कि ब्रोंकाइटिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बलगम की खांसी आती है, साथ थोड़ा थोड़ा सांस भी फूलता है, तो उसको सीजनल ब्रोंकाइटिस या अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस का नाम देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां रहती हैं, लेकिन इन सब में जो ट्रीटमेंट चाहिए वो सिर्फ एंटी एलर्जिक्स, और एंटी एलर्जिक के साथ साथ प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताई, और
जिस जो पेशेंट अस्थमेटिक हैं, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस के हैं, उनको इनहेलर्स का भी प्रयोग करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो मास्टर स्टेबलाइजर्स की मैंने पहले बात करी थी, वो हम ये सोच रहे हैं कि वो पेशेंट को ऑलरेडी चल रहे होने चाहिए, अगर नहीं भी चल रहे हैं तो वो साथ में ऐड किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया एंटी एलर्जिक्स का, अक्सर एंटी एलर्जिक्स का सेवन इन बीमारियों में किया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम वहाँ आती है जब लोग अपने आप ओवर द काउंटर जाकर केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, विशेष तौर पर एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर साहब, आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि क्या अनसुपरवाइज्ड एंटीबायोटिक्स लेने से क्या उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं या फिर और एक बड़ा रूप, खराब रूप ले सकती हैं? काफी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अक्सर लोग करते हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं, ओवर द काउंटर थोड़ा सी कोई भी प्रॉब्लम हुई जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। और जितनी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम एलर्जी सीजन में जो बढ़ती हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स का रोल तभी है अगर किसी को पीले कलर की या इन्फेक्टिव बलगम आ रही है, ग्रीन कलर की बलगम आ रही है, ग्रीन येलोइश ग्रीन बलगम आ रही है, या उसको बुखार है, तेज बुखार है, या उसका ब्लड टेस्ट कराया उसमें TLC काउंट उसका ज्यादा है, तो इन केसेस में हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स रहते हैं, पेट खराब हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं अनसुपरवाइज्ड एंटीबायोटिक्स लेने से। तो इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, अपने फैमिली डॉक्टर या अपने फिजिशियन से बात करके ही बीमारी का सही इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास भूटानी, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन है। और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बिना अपने डॉक्टर की सलाह के, बिना फिजिशियन की कंसल्टेशन के कभी भी एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम के साथ एक और कंडीशन बहुत देखने में आती है, विशेष तौर पर ऐसे मौसम में, जो है एस्थमा, यानी कि दमा। तो डॉक्टर साहब, देखा गया है कि बच्चों में और बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आती हैं। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है और वो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिसे बरतकर एस्थमा के फ्रीक्वेंट अटैक्स को कम किया जा सकता है? जो लोग अस्थमा से पहले से शिकार हैं, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं, उनको पहली बात तो ये सलाह है कि आपने इनहेलर्स बिना फैमिली डॉक्टर्स की सलाह के बिना उसको बंद नहीं करो, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में लेते रहेंगे तो एक्यूट अटैक से काफ़ी बचा जा सकता है। अब इसके लक्षण क्या रहते हैं? लक्षण रहेंगे कि सांस चढ़ना, थोड़ी दूर चल के थकान हो जाना, या खांसी रहना, क्रॉनिक खांसी, क्रॉनिक कफ रहना, तो ये सारे लक्षण रहेंगे जो अस्थमा के कि अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हुआ है और पेशेंट को पूरी तरह सांस नहीं आ रहा, इसीलिए उसको थकान भी रहती है थोड़ा सा चलने पे, क्योंकि लंग का मेन फंक्शन है, जो हमारी छाती है, छाती का मेन फंक्शन है एयर एक्सचेंज करना, गैसियस गंदी अच्छी गैस अंदर लेके आना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। तो अगर ब्रोंकाइट अस्थमा के अंदर जो एयरवे एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो पेशेंट की ब्लड में गंदी गैस ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर इन्हेलेशन थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनहेलर्स की बात आपने की, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि इनहेलर्स के साथ बहुत सी गलत धारणाएं जुड़ी हैं, जैसे कि इनहेलर्स का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में करना है, इनहेलर्स लेते रहेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी, इनहेलर्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, या मैं इतना बीमार हूँ कि मुझे इनहेलर्स की जरूरत पड़ गई। डॉक्टर साहब, ये सारी जो नोशंस है हमारी सोसाइटी में, तो इनके बारे में डॉक्टर साहब आप प्लीज बताइए। और मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम के जरिए एक सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा हमें अपने श्रोताओं को इन धारणाओं के बारे में जरूर बताना चाहिए कि एक्चुअली इनहेलर्स का एस्थमा में रोल क्या है। सबसे पहली बात तो इनहेलर्स का यूज करना ये एक मिथ है कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। इनहेलर्स एक तरह की दवा है, इनफैक्ट इनहेलर एक डिवाइस है जिसे हम दवा सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक में दे रहे हैं जहां उसकी ज़रूरत है,
और ये टैबलेट लेने से ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज टैबलेट के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, वो पूरे बॉडी बॉडी में पूरे सिस्टम में घूम रही है, ये दवा सीधा सीधा लंग में जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो इसका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये एक सोशल स्टिग्मा, लोगों को कुछ लोगों के मन में धारणा है कि ये इन्हेलर लेने से मैं ज़्यादा बीमार लगता हूँ, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग रेगुलर इन्हेलर थेरेपी यूज़ करते हैं, जिनको क्रॉनिक परसिस्टेंट अस्थमा रहता है और रेगुलर इन्हेलेशन थेरेपी रहते हैं, उनकी लंग्स काफ़ी अच्छी रहती हैं और वो जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग बिहेव करते हैं जिसको अस्थमा नहीं है। हाँ, एक रहता है कि इंटरमिटेंट अस्थमा, इंटरमिटेंट की जिसको सीजनल अस्थमा रहता है कि सीजन चेंज में ही सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सीजन चेंज से, जैसे मैंने बोला, सीजन चेंज से पहले ही इनहेलेशन थेरेपी और मास्टल स्टेबलाइजर्स का प्रयोग स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम बढ़ने से और एक्यूट अटैक आने से बच सके। डॉक्टर साहब, आजकल फ्लू शॉट्स के बारे में बहुत सुनने में आता है, तो क्या इन सब बीमारियों से फ्लू शॉट्स का कुछ संबंध है? क्या इन बीमारियों से बचने में फ्लू शॉट का कोई रोल है? फ्लू शॉट्स की हम बात करें तो उनका एलर्जी से रिलेटेड बीमारियों से कोई रोल नहीं है। हाँ, इन पेशेंट्स को हम जरूर कहते हैं कि फ्लू शॉट्स लगा लेने चाहिए, बिकॉज फ्लू शॉट्स से इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट कर सकते हैं, सीजनल इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट कर सकते हैं, स्वाइन फ्लू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि अगर इन मरीजों में होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकता है, बट अदरवाइज फ्लू शॉट्स का एलर्जिक रिलेटेड डिजीज में, एलर्जिक रिलेटेड अस्थमा, एलर्जी रिलेटेड राइनाइटिस में कोई रोल नहीं। वो एक प्रिवेंटिव थेरेपी है जो अपने फैमिली डॉक्टर, अपने फिजिशियन की सलाह से आपको बात करके, सलाह करके फिर ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमें डॉक्टर विकास भूटानी ने बताया कि किस तरह से बदलते मौसम में हम अपना ध्यान रख सकते हैं और मौसमी बदलाव के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू बलवी जी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और विश यू अ हेल्दी लाइफ। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More Show. आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9815196731 पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. I'll die the COVID. I